जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो इन 20 प्रश्न में 10 क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 मई को। ठीक है, 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला ऑप्शन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पीएम मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। 2022 में अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का तो इन 20 प्रश्न में 10 के आंसर जरूर कमेंट करिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, विवेक कुमार। राइट आंसर क्या है मित्रों, ऑप्शन नंबर वी, विवेक कुमार को प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निजी सचिव के नियुक्त में इनको नियुक्त किया गया है, विवेक कुमार को, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, एंथनी अल्बनीज। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई के महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मई महीने की किस तारीख को मनाया जाता है। सभी लोग कमेंट करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 21 तारीख को। ठीक है, 21 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए दिवस से संबंधित, तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक या दो जरूर बनेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है 20 मई को। ठीक है, 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने याद रखना है। राइट आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर वी, 20 मई। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिगो के नए सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पीटर्स एल्वर्स को। ठीक है, पीटर्स एल्वर्स को हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बने हैं। भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, SS मुद्रा। ठीक है, SS मुद्रा को BSE के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तदाब दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है, रक्तचाप दिवस किस दिन मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करिएगा। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है,
राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 17 मई को। ठीक है, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग बताएं कि आपने 20 प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर कमेंट किया, तो सभी लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करें। अगला ऑप्शन है, हाल ही में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी, सोमालिया। सोमालिया देश के हसन शेख महमूद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और सभी लोग इस प्रश्न को स्टार बनाकर नोट करेंगे। अगला ऑप्शन है, हाल ही में कौन महिला फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग स्टार बनाकर नोट करते जाएंगे, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें जिससे आपके मित्र भी क्लास में जुड़ सके। फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जो फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री है इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ बोर्न, आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की अगर बात हुई है तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया भारत के किस राज्य में, अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, सभी लोग कमेंट करिएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, उत्तर प्रदेश में, भारत के उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, परिवार दिवस की बात की गई, परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करिएगा मित्रों जल्दी से, परिवार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 15 मई को। ठीक है, ये आपका परिवार दिवस जो है ये 15 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस खाड़ी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, सभी लोग कमेंट करिएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएई। ठीक है, यूएई देश के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इनको राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है, सभी लोग कमेंट करिएगा, मणिक शाह भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मणिक शाह को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर वी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में मणिक शाह को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मणिक शाह ये कहां के मुख्यमंत्री हैं, ये आपके त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता, सभी लोग कमेंट करिएगा, हाल ही में किस देश की बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है, सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग कमेंट करें, राइट आंसर है इसका, थॉमस कप की बात हुई, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। ठीक है, भारत ने थॉमस कप 2022 का विजेता है, आपने याद रखना है, भारत थॉमस कप 2022 का विजेता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस देश से संबंधित पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूज साइमंड का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करिएगा, किस देश से संबंधित है पूर्व क्रिकेटर एंड्रयूज साइमंड, इनका संबंध मित्रों किस देश से, सभी लोग कमेंट करेंगे, और इनका 46 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हुआ है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर
वी ऑस्ट्रेलिया देश के, ये जो खिलाड़ी है मित्रों ऑस्ट्रेलिया देश के हैं और इनका 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सभी लोग कमेंट करेंगे, किस खाड़ी देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, यूएई देश के राष्ट्रपति के रूम में खलीफा बिन जायद को चुना गया था और इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ष 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार किसने जीता है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विल जेक ने। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक विल जेक ने 2022 का टेम्पलेटन पुरस्कार जीता है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है या किसे नियुक्त किया गया? सभी लोग कमेंट करिएगा, सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें और क्लास को जरूर लाइक करें। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, निधि छब्बर को। ठीक है, निधि छब्बर को सीबीएसई बोर्ड की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, और आज की वीडियो का लास्ट एवं आखिरी प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए सीईओ एवं प्रबंधक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करेंगे, एयर इंडिया के नए सीईओ और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सभी लोग कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कैप बेल बिल्सन। ठीक है, कैप बेल बिल्सन को एयर इंडिया के सीईओ और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आपने 20 प्रश्न में कितने प्रश्नों का आंसर कमेंट किया, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और अपना भी स्कोर बताएं, यानी 20 प्रश्न में आपने कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है, सभी लोग अपना स्कोर बताएं। और मिलेंगे अगली फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।